6. Yoga poses to regulate period for hormonal balance. भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। यह है भुजंगासन पोज। इस पोज को डेली करने से पीरियड साइकिल रेगुलेट होती है, क्योंकि पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, यूट्रस हेल्दी होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। भुजंगासन पोज आपको ब्रीथिंग टेक्निक के साथ ही करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल के साथ करना है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराए। ध्यान रहे 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 2, पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाए। एक्सहेल के साथ बॉडी को लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिजीज ठीक होती है, पीरियड रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। नंबर 3, सेतु बंधासन योगा पोज। लेग्स को नीच से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 5 मिनट तक दोहराएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। नंबर 4, विपरीत करने। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करने योगा पोज। इस पोज में ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हमारी यूट्रस में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड रेगुलेट होती है। 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोज में आप अवश्य रुकें। नंबर 5, हलासन। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें, फ्लोर के ऊपर टिकाएं। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है जिसके कारण पीरियड्स रेगुलेट होती है। 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आप इस योगा पोज में रुकें। इस योगा पोज में सांस नॉर्मल रहती है। यह एक यूजफुल योगा पोज है। धीरे धीरे लेग्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सावधानी पूर्वक वापस आना है। नंबर 6, नौकासन। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन योगा पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, यूट्रस डिजीज ठीक होती है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। सही लाभ पाने के लिए 5 मिनट तक इस योगा पोज को करें। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल ब्रीदिंग टेक्निक के साथ नौकासन योगा पोज आपको करना है। सभी योगा पोज ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करना है। कुछ योगा पोज है जिसमें सांस नॉर्मल रहती है। ध्यान से इस वीडियो को देखें। डेली ये सभी योगासन आप अवश्य करें। सुबह उठकर
खाली पेट योगासन करें। योगासन करने से पहले वार्म अप जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।